दोस्तों मान लो आपका एक हाथ कट जाए या फिर कोई आपका एक हाथ काट दे, वैसे ऐसा होना तो कभी नहीं चाहिए, लेकिन ये एक सिचुएशन है, इमेजिन कर लो, तो क्या आप क्रिकेट खेल पाओगे? मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा, एक हाथ से ना तो ढंग से बैटिंग होगा और ना ही ढंग से बॉलिंग होगा, बहुत ही मुश्किल में ऐसे सिचुएशन में क्रिकेट खेला जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक मूवी का ट्रेलर आया जिसका नाम है घूमर, और इस मूवी में लीड एक्टर है अभिषेक बच्चन। दोस्तों हम कितना भी नेपोटिज्म क्यों ना कर ले, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ आपको हर जगह नेपोटिज्म देखने को मिलेगा। और अगर हम बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात करें तो अभी के जितने भी बॉलीवुड के नेपो किड हैं इन सभी को हटा दो क्योंकि ये सारे बकवास हैं। लेकिन आज से 20 साल पहले बॉलीवुड को जितने भी नेपो किड मिले थे वो सारे ऑल टाइम बेस्ट हैं। फिर चाहे अजय देवगन हो, सलमान खान हो, ऋतिक रोशन हो, अक्षय खन्ना हो या फिर अभिषेक बच्चन हो, ये सारे बेस्ट हैं। दोस्तों आप मानो या ना मानो अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है, और इस बात का यकीन दिलाने के लिए मैं आपको अभिषेक बच्चन के करियर के हिस्ट्री में जाने के लिए नहीं कहूंगा, आप उनका बस लास्ट मूवी 10वीं देख लो, अगर आपको ये मूवी पसंद ना आए तो आप मुझे कहना। दोस्तों हम बात कर रहे थे घूमर मूवी के ट्रेलर के बारे में। इस ट्रेलर में अभिषेक बच्चन एक लड़की की कहानी सुनाते हैं जो कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है, यहां तक कि उसका इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसका दायां हाथ कट जाता है जिसके कारण वो क्रिकेट खेलना बिल्कुल छोड़ देती है और यहां तक कि वो सुसाइड करने को भी तैयार हो जाती है। फिर अभिषेक बच्चन उस लड़की का कोच बनते हैं और उसे मोटिवेट करते हैं ताकि वो इंडिया के लिए दोबारा क्रिकेट खेले। दोस्तों घूमर एक स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है और स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी का बस एक ही मकसद होता है, अपने ऑडियंस को मोटिवेशन देना ताकि लोग इस मूवी से इंस्पायर होकर के अपने करियर में कुछ कर सके। इस मूवी का ट्रेलर तो जबरदस्त है और इस मूवी का ट्रेलर का खास बात है वो है अमिताभ बच्चन। हाँ दोस्तों आपको इस मूवी में अमिताभ बच्चन भी देखने को मिलेंगे। बड़े लंबे समय बाद अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन एक साथ बिग स्क्रीन पर दिखाई देंगे। लास्ट टाइम दोनों 2009 में पा मूवी में नजर आए थे। इस मूवी में अमिताभ बच्चन ने बेटे का रोल किया था और अभिषेक बच्चन ने बाप का रोल किया था। पा मूवी में अमिताभ बच्चन को एक बीमारी होता है जिसके कारण उनका उम्र बहुत तेजी से बढ़ता जाता है और जिसके कारण वो कम उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हैं। और घूमर मूवी में एक खूबसूरत सी एक्ट्रेस भी है, उनका नाम है सियामी खैर, जो कि इस मूवी के मेन एक्ट्रेस है और इस मूवी में एक क्रिकेटर का रोल भी कर रही है।